राजधानी शिमला में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव का रविवार को जोरों शोरों से आगाज हो गया। रविवार को आयोजित संगीत प्रतियोगिता के दौरान गायकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। गौर हो कि शहर में 2 साल बाद भव्य तरीके से ग्रीष्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस बाबत अधिक जानकारी देते हुए जिला भाषा अधिकारी अनिल कुमार हार्टा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव में गायन, नृत्य और रॉक बैंड की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इनके विजेताओं को 8 जून को होने वाली अंतिम सांस्कृतिक संध्या में स्टार कलाकार से पहले प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा सभी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शहर के विभिन्न स्थानों को चिन्हित कर विभिन्न प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि रविवार को आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्या में अरुण दे, 6 जून को पहाड़ी लोक गायक कुलदीप शर्मा और 7 जून को बाबा हंसराज रघुवंशी, 8 जून को अंतिम संध्या में गुरु रंधावा प्रस्तुति देंगे। यह सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम रात 10 बजे तक चलेंगे। इसके साथ ही दिन के समय शहर के मॉल रोड सहित अन्य स्थानों पर अलग अलग प्रदेशों से बुलाए सांस्कृतिक दल व बहरूपीय अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव 2022 के प्रथम दिवस के कार्यक्रम में आज प्रातः से ही यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, जिसमें आज गायन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ पर्यटकों और मेले में आने वाले आगंतुकों के लिए यहाँ पर भारतवर्ष के 6-7 राज्यों से जो कलाकारों को आमंत्रित किया गया, जिसमें विशेष करके राजस्थान के जो कलाकार है बहुरूपिया और लॉन्गमैन जो बाजार में या मेला क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। और इसमें आज अभी इस समय गायन प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें 25 से अधिक प्रतिभागियों ने अभी तक अपनी प्रस्तुतियां वहां पर दी है। और इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 15,000 रुपये रखा गया है और द्वितीय पुरस्कार जो है 10,000 रुपये रखा गया है। और इसमें कुछ हमारे पास जो पंजीकरण हुआ था कुछ ईमेल के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से हुआ था, और इसके साथ साथ स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, जिसमें विशेष करके जो है शिमला जो घूमने पहुँचे पर्यटक है वो भी इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। कल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे जो प्रतिभागी है उन्होंने अपना पंजीकरण करवा दिया है, जिसमें कोई 30 के आसपास प्रतिभागी उन्होंने अपना पंजीकरण करवा लिया। और इसके साथ साथ उसके लिए जो दिशा निर्देश है उसमें लोक नृत्य हमारा लोक नृत्य की परफॉर्मेंस हो सकती है, पंजाबी डांस हो सकता है, और इसके साथ साथ जो शास्त्रीय उसमें जो करते हैं वो भी उसमें भी इस प्रतियोगिता में उसको अपना यहाँ पर प्रस्तुति दे सकते हैं। और उसकी समय सीमा 5 से 7 मिनट रखी गई है। और आज जो सांस्कृतिक संध्या के बारे में आपने सवाल किया, इसमें आज हमारे मुख्य आकर्षक है वो है कौन बनेगा करोड़पति फेम लिटिल मास्टर्स अरुणोदय शर्मा, और इसके साथ साथ हिमाचल जो ऑर्केस्ट्रा बैंड है वो भी यहाँ पर मनोरंजन करेंगे लोगों का, और हिमाचली दो हिमाचली गायक भी आज इस सांस्कृतिक संध्या में आज के सांस्कृतिक संध्या में आमंत्रित है, जिसमें प्रसिद्ध लोक गायिका रीना ठाकुर और हिमाचल के प्रसिद्ध लोक गायक किशन वर्मा जी भी आज इस कार्यक्रम में प्रस्तुत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।